हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अर्चना का सवाल था कि दो या दो से अधिक टेबल में जब हम रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये वन टू वन रिलेशनशिप है या वन टू मेनी, ये कहां से पता चलेगा। तो चलिए ये देखते हैं, इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे कर दीजिए क्लिक, और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट। अब आपको यहाँ पर कोई नाम देना चाहते हैं तो वो नाम भी दे सकते हैं, मैं फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही छोड़ देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्यू दिख रहा है, यहाँ से जाइए डिजाइन व्यू पर, क्योंकि हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये पहली टेबल मैं बना रहा हूं जो कि कस्टमर की टेबल है। किसकी टेबल है? कस्टमर की टेबल है। तो ये लिख दिया मैंने कस्टमर टी, यानी कि कस्टमर टेबल, ठीक है। अब कस्टमर टेबल में सबसे पहले आएगी कस्टमर आईडी, तो यहां लिख देता हूं कस्टमर आईडी, ओके, और इसे ऑटो नंबर रखता हूं। फिर यहां कस्टमर का नेम आएगा, तो ये लिखता हूं कस्टमर नेम, और फिर यहां पर आएगा कस्टमर का सिटी, तो वो लिख देता हूं कस्टमर की सिटी, ठीक है। और फिर फोन नंबर वगैरह वगैरह जो कुछ भी देना चाहे आप दे सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर इस पर क्लिक करता हूं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, यहां पर क्लिक कर लीजिए यस पर, तो ये इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहां पर कस्टमर आईडी आएगी, यहां पर कस्टमर नेम आएगा, ठीक है, यहां पर सिटी आएगी और यहां पर फोन नंबर आएगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन यूज कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूं जो भी ये हमने बनाया। अब चलते हैं दूसरी टेबल बनाते हैं, तो यहां से क्रिएट पे चलते हैं, और क्रिएट पे जाने के बाद फिर यहां से टेबल आ रहा है, इस टेबल पे क्लिक कर देते हैं, और यहां पर क्लिक करता हूं ताकि इस टेबल को कोई नाम दे सके हम, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर टी करता हूं, यानी ऑर्डर का टेबल है, ठीक है, ऑर्डर टेबल, ओके। तो यहां पर करता हूं ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर, ओके, और नंबर के बीच में गैप दे देंगे इस तरीके से, और ये ऑटो नंबर आ रहा है, हम इसे टेक्स्ट कर देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे तो यहां पर आइटम नेम, यानी क्या आपने ऑर्डर किया उसका नेम, तो ये आ गया यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप। फिर इसकी प्राइस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा करेंसी डेटा टाइप, ओके। फिर यहां पर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हम क्या रखेंगे, सबसे पहले तो यूनिट आप रख लीजिए नंबर डेटा टाइप, और नंबर डेटा टाइप रखने के बाद यहां पर आपको करना है डबल, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यूनिट जो है पॉइंट में हो, 4.5 किलो 5.5 किलो, ठीक है, इस तरह की चीजें हो, तो इसलिए मैंने पॉइंट में भी रखने का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, डबल कर लेने से पॉइंट में भी आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें इसका टोटल करना है, यानी टोटल प्राइस कितनी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूं टोटल, ओके। और टोटल यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे रखेंगे नंबर डेटा टाइप, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 वर्जन यूज कर रहा हूं तो नंबर ही डेटा टाइप आप रख लीजिए, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद फिर नीचे आइए, यहाँ पर अगर आप टैक्स वगैरह देना चाहते हैं कि टैक्स लग जाए तो वो टैक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स कैसे देंगे, तो यहां लिखेंगे टैक्स, ठीक है, इन परसेंट, ओके, तो यहां पे आ जाएगा टैक्स इन परसेंट। तो जितना भी टैक्स देना चाहते हैं ना वो यहां पे दे दीजिएगा, और यहां पे रख लीजिए नंबर, और यहां पर क्लिक कर लीजिए, और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर फॉर्मेट रख लीजिएगा परसेंट, क्या रखिएगा परसेंट, अच्छा यहां से नंबर हमने रखा है, ये नंबर रखा है, तो यहां से मैं इसे डबल बना लेता हूं, हो सकता है कि पॉइंट में ये आए, ठीक है, टेक्स्ट जो है पॉइंट में हो तो इसलिए ये कर लिया मैंने। और यहां पर आ जाइए, यहां पर क्लिक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और यहां पर क्लिक करके फॉर्मेट रख लीजिए परसेंट, क्या रखना है परसेंट, ये रख लिया, काम हो गया आपका। अब यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर टैक्स अमाउंट लिखा मैंने, और टैक्स अमाउंट लिखने के बाद चूंकि हो सकता है कि टैक्स जो है टैक्स अमाउंट जो है पॉइंट में आए, तो यहां पर भी मैं कर लेता हूं डबल, ओके, तो इसे बना लिया मैंने डबल और यहां पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमारा टेबल बन गया, ठीक है, ये टेबल हमने बना लिया, और इसके बीच में हम रिलेशनशिप भी अभी क्रिएट कराते हैं, ओके, लेकिन इसके भी पहले हम एक क्वेरी बना लेते हैं ताकि हम कैलकुलेट भी कर सकें, ठीक है। वैसे दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे होती है वो भी दिखा देता हूं, देखिए हम यहां पे कहां जाएंगे, यहां से जाएंगे डेटाबेस टूल्स पर, ठीक है, और डेटाबेस टूल्स पर जाने के बाद रिलेशनशिप पे जाएंगे, हालांकि अभी हमने कोई डेटा नहीं एंटर करा। फिर यहाँ पे कस्टमर की टेबल और ऑर्डर की टेबल दोनों ऐड कर लेंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर कस्टमर और ऑर्डर की जो टेबल है
इसमें एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, ठीक है, लाइक कस्टमर आईडी इसमें कॉमन होना चाहिए, लेकिन हमने कोई फील्ड कॉमन दिया नहीं है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, ये जो रिलेशनशिप मैं क्रिएट करा रहा हूं इसको अभी हटाता हूं। अभी इसमें एक फील्ड हमें कॉमन भी देनी है तो वो भी दे देते हैं। तो यहां पर एक फील्ड हम रखेंगे कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ओके। तो ये फील्ड हो गई, और यहां पर कस्टमर आईडी जो है हम रखेंगे नंबर डेटा टाइप, वहां पर भी नंबर डेटा टाइप था, देखिए यहां से दिखा देता हूं, ये जो है नंबर ऑटो नंबर है, तो यहां पे हमने नंबर डेटा टाइप रख लिया, आप नंबर भी रख सकते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से इसको सेव कर लेता हूं। अब यहां पे देखिए, तो ये कस्टमर आईडी भी आपको दिखेगी, ठीक है। अब यहां पर कुछ एंटर कर लेता हूं, लाइक ऑर्डर आईडी एंटर करता हूं, तो ऑर्डर आईडी 1001A, इस तरह से कुछ ऑर्डर आईडी आप एंटर कर सकते हैं। आइटम नेम मैं लिख देता हूं पिज्जा, ठीक है, प्राइस है इसकी 230 रुपए, ओके, यूनिट 2 लिया। अब यहां पे टोटल करना है, टोटल छोड़ता हूं अभी, और यहां टैक्स इन परसेंट, तो यहां कर दिया 5%। तो देखिए परसेंट अपने आप लगा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं, इसके बेस पे टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां कस्टमर की टेबल पे चलते हैं, कस्टमर आईडी 1 रहेगी, कस्टमर नेम हो गया राम, सिटी हो जाएगी जो भी हो, हम अपना ही लिख देते हैं देवरिया, ओके, और यहां पे फोन नंबर जो भी हो इनका वो आ जाएगा। फिर आते हैं सेकंड कस्टमर पे, तो आईडी अपने आप आ जाएगी, फिर यहां सेकंड कस्टमर का नाम है श्याम, और यहां पर सिटी है देवरिया, सेम सिटी, और यहां पे फोन नंबर वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको भी एंटर कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं, और यहां पे ऑर्डर टेबल में आते हैं, तो ये ऑर्डर टेबल हमारा इस तरह से है, ठीक है। कस्टमर आईडी क्या हमने दिया है आप देख सकते हैं, 123 के फॉर्म में है, तो यहां पर भी 1 दे देंगे कस्टमर आईडी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहां पे करता हूं 1002, और यहां करूंगा बी, ठीक है, और बी करने के बाद यहां पे आता हूं, ठीक है, और यहां पे करता हूं 40 रुपए, ठीक है, और ये एक प्लेट की कीमत है 40 रुपए, और टैक्स लग रहा है इस पे जो वो लग रहा है 10% का, ठीक है, और इस तरीके से, और यहां कस्टमर आईडी हो जाएगी 2। अभी रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराएंगे, वो डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे और यहाँ रिलेशनशिप पे जाएंगे। अब यहाँ दोनों को यहाँ ऐड करा देंगे, ये ऐड करा दिया, इसको भी ऐड करा दिया, दोनों को ऐड करा दिया। अब देखिए एक फील्ड कॉमन है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉमन है फील्ड, ठीक है। अब इस कस्टमर आईडी को उठाकर यहाँ रख दीजिए, ये आ गया इस तरीके से। यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़िए, 1 to many, आपको यहीं पर अगर 1 to 1 होगा तो यहीं पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। अच्छा इसको अभी क्लोज करता हूं, इसको अगर उठा करके मैं यहां रख देता हूं तो क्या होगा, देखिए यहां पर भी 1 to many आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये यहां पे उठा के यहां पर रख दिया, अब यहां पे टिक करिए, यहां पे टिक करिए, यहां पे टिक करिए, और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन ये अभी होगा नहीं क्योंकि यहां पे हमने टेबल ओपन कर रखा है, इसको यहां से सेव करके और फिर क्लोज कर दूंगा, फिर इसको भी यहां से सेव करके और फिर क्लोज कर दूंगा। अब देखिए यहां से कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से इस तरह से लिंक कर दीजिए, और फिर यहां से इस तरीके से, ये देखिए ये हो गया रिलेशनशिप क्रिएट, ठीक है, ये हो गई रिलेशनशिप। अब फायदा क्या है इसका, फायदा ये है कि यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी, समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये फायदा है, ओके। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकती हैं कि ये रिलेशनशिप किस टाइप की है। अब चलिए अब यहां पर हम बना लेते हैं एक क्वेरी, तो क्वेरी डिजाइन में जाएंगे क्वेरी बनाने के लिए, तो क्रिएट पे गए और फिर यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन, आगे क्वेरी डिजाइन पर। क्वेरी डिजाइन में आने के बाद सबसे पहले कस्टमर की टेबल ले लेते हैं, ठीक है, इसके लिए क्वेरी डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है हमें, ठीक है, अगर आप यहां से कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लाइक शॉर्ट करना चाहें कस्टमर के बेस पे, तो यहां पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, असेंडिंग कर देता हूं, चलिए यहां से रन करवा देता हूं, तो ये हो गया इस तरीके से, ये आ गया है, ठीक है। अगर डिसेंडिंग करते हैं तो क्या होगा वो भी दिखा देता हूं, ये देखिए ये हमारी क्वेरी है, और इसे डिजाइन व्यू पे लेता हूं। अगर मैं डिसेंडिंग करता हूं तो जो हाईएस्ट वाला कस्टमर आईडी है वो पहले आएगा, ये देखिए 2 वाला आ रहा है ना, इस तरीके से आएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। अब करना क्या है, एक क्वेरी हमने बना ली कस्टमर के लिए, अब ऑर्डर के लिए क्वेरी बनानी है, तो यहां क्रिएट पे जाएंगे और फिर वापिस से क्वेरी डिजाइन, अब ऑर्डर टी को ले लेंगे, ये ले लिया हमने, एड करवा दिया। अब सारे के सारे फील्ड हमें चाहिए, अगर सारे फील्ड चाहिए तो सारे फील्ड भी ले सकते हैं आप,
यहां पर क्लिक कीजिए और सारे फील्ड्स को उठा लाइए यहां पे, आ गया। यहां पे टोटल करना है, टोटल कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले कोलन लगा लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़ेगा। यहां पे देख सकते हैं, अब यहां पे टोटल करना है, टोटल कैसे करेंगे, प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं नीचे, तो ये हो गया प्राइस इनटू यूनिट हो गया, टोटल हो गया, ओके। अब यहां से ओके कर दीजिए। अब टैक्स इन परसेंट, अब जितना भी टैक्स इन परसेंट दिया है उसी के बेस पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा आइए दिखाता हूं। यहां पे आए, कोलन लगा लीजिए, कोलन यानी दो पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर क्या लेना है हमें, हमें टोटल लेना है, हमने टोटल किया है तो ये टोटल ले लीजिए और इनटू कर दीजिए टैक्स इन परसेंट, सीधा करिए टैक्स इन परसेंट। अब कमाल देखिए, यहां लिखा परसेंट, ओके, बस इतना ही करना है आपको और यहां से ओके प्रेस कर देना है, बस काम हो गया है, यहां से क्लिक कर दीजिए। तो यहां देखिए टैक्स इन परसेंट के आधार पर अगर 5% है तो 23 रुपए, 460 रुपए पे 23 रुपए टैक्स लगा हुआ है, और यहां पर 10% है, 40 रुपए पे 10% 4 रुपए आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब यहां पर कस्टमर आईडी, यहां पर क्लिक करता हूं तो ये सब चीजें आ रही हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यहां से क्लोज करता हूं, यहां पर कस्टमर आईडी 3 की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए शुभम करता हूं। अब ऑर्डर टेबल में आते हैं, तो ऑर्डर टेबल में सब लोग अलग अलग ऑर्डर करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो यहां पे आप दे दीजिए लाइक 1003B, लाइक यहां पे कर देता हूं मोमो और 40 रुपए, और इन्होंने 3 प्लेट ऑर्डर किया और यहां पे 10% टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, कस्टमर आईडी है इनकी 3, ओके, और इस तरीके से यहां 4 कर दिया हमने। अब करना क्या है, अब यहां से आप सेव कीजिए इसको, ठीक है, सेव कर लिया और रिफ्रेश एक बार कर दीजिए इस तरीके से, ओके। और ये क्वेरी याद है हमने बनाई थी, ये छोटी वाली क्वेरी और फिर ये बड़ी वाली क्वेरी, बस यहां से आप रिफ्रेश कर दीजिए और ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आप चाहे तो इसके लिए फॉर्म भी बना सकते हैं, फॉर्म भी बनाना बड़ा आसान है, ठीक है, आसानी के साथ फॉर्म भी बन जाएगा। तो फॉर्म बनाने के लिए यहां से क्रिएट पे जाइएगा और फिर यहां से आप चाहे तो ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं या खुद फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं। चलिए मैं डिजाइन करके दिखा देता हूं, यहां पे गए, इसको क्वेरी 2 के ही नाम से सेव कर लेते हैं, यहां फॉर्म हम डिजाइन करेंगे। यहां ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाइए और यहां पे शो टेबल्स, तो यहां टेबल्स आपको शो हो जाएंगी, आप कस्टमर के बेस पे चाहते हैं या किस बेस पे चाहते हैं वो देख लीजिए। तो अगर मैं कस्टमर के बेस पे ये फॉर्म बनाना चाहता हूं तो ये कस्टमर की डिटेल यहां पे आ जाएगी, ये कस्टमर की डिटेल आ गई, ठीक है, और नीचे जो है ऑर्डर की डिटेल है, तो ये ऑर्डर नंबर, ठीक है, और फिर आइटम नेम, फिर प्राइस, फिर यूनिट, फिर टोटल, फिर टैक्स इन परसेंट, और यहाँ पे ये इस तरीके से ये भी आ गया, ठीक है। और यहां पर क्लिक करके और मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर के और यहां से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेता हूं, तो बैकग्राउंड का कलर ये मैं रखना चाहता हूं इस तरीके से, और यहां पे इन सबको सेलेक्ट करके और यहां से बोल्ड बना देता हूं, ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक दिखेगा। अब इतना तो हमने कर लिया, अब यहां से अगर व्यू पे मैं क्लिक कर दूं और इसमें एक काम और करते हैं, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट का, प्रीवियस का। तो बटन बनाने के लिए आपको डिजाइन पे जाना पड़ेगा और यहां पर आपको बटन नाम का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर आप बटन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे जैसे ही ड्रैग करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहां से अगर आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बना लीजिए, नेविगेशन का बटन है। यहां पे हम टेक्स्ट देना चाहते हैं, यहां पे टेक्स्ट कर दीजिए और इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये आ गया नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन लाइक, ठीक है। अब फिर यहां पे जाते हैं, ये बटन पे क्लिक करते हैं, अब प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं यहां से, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन हम बनाएंगे, तो ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड, ओके, यहां पे जाके और यहां से टेक्स्ट पे क्लिक करके और प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरीके से और यहां पे फिनिश, ओके, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड और प्रीवियस रिकॉर्ड दोनों का ही बटन हम बना चुके हैं। अब देखिए इसका लुक जो है सॉफ्टवेयर जैसा आ गया है, यहां पे देखिए ये देख सकते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर जैसा दिखने लगा है, ये देखिए यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां प्रीवियस पे क्लिक किया, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं।